भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आज के व्याख्यान के बाद? अरे भाई साहब, आज का माननीय मोहन भागवत जी का व्याख्यान एक ऐसा व्याख्यान था जो दिल की गहराइयों तक उतरने वाला था। हिंदू और हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र इस अवधारणा को इन्होंने बिल्कुल अच्छी से क्लियर किया कि इसमें कहीं कोई ऐसा अवरोध नहीं है कि कोई व्यक्ति हिंदू से अलग है या हिंदू से अलग है। उनका कहना है इस धरती पर, इस पूर्वजों की धरती पर जो भी उत्पन्न हुआ है वो हिंदू है, वो हिंदुत्व का निवासी है। लेकर कुछ लोग पहुँचे थे लेकिन सुरक्षा कुछ लोग पहुँचे थे नहीं पहुँच पाए। क्या नाम है साहब? सुरक्षा के चक्कर में नहीं पहुँच पाए। वाल्मीकि है ना, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज शाखा बरेली का महानगर अध्यक्ष। आज ये जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। माननीय मोहन भागवत जी ने जो समाज में ऊंच नीच की जो व्यवस्था जो लोगों ने भ्रांतियाँ संघ के लिए फैला रखी हैं उसको दूर किया और उनका भाषण बहुत ही सुंदर था और दिलों की गहराई तक पहुँचा। निश्चित ही अब एक नए भारत का निर्माण इस कार्यक्रम के बाद निश्चित रूप से। चित्र आपका यहाँ रह गया, पहुँच नहीं पाया, क्या वजह रही? ये कुछ रक्षा कारणों की वजह से वहाँ तक पहुँच नहीं पाया, जिसका हमें कोई भी अभी मन में कोई ऐसा अफसोस नहीं है। हमें खुशी है कि ये कार्यक्रम अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष परवेज मियाँ जी, आप जो इस कार्यक्रम में मोहन भागवत जी के कार्यक्रम में आए, कैसे विचार लगे उनको और कैसा लगा आपको? आदरणीय श्री भागवत जी का जो भाषण था वो भारत को जोड़ने वाला था, भारत को तोड़ने वाला नहीं था। जैसा कि मैंने लोग उनके बारे में गलत विचार रखते हैं, मैं समझता हूँ गलत है, क्योंकि मैंने आज उन्हें फर्स्ट टाइम उनको मैंने सुना है और उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। और NRC और CA को लेकर बात हुई और उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि विपक्ष द्वारा फैलाया जाए। उनका जो विचार थे, उन्होंने कहा कि श्रेष्ठ भारत एक भारत को जोड़ना है, इसी देखे उनके विचार में अच्छे लगे।